शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नरखेड़ तहसील अंतर्गत आने वाले पीपलधरा इस गांव के पढ़े लिखे अरविंद बंसोड़ इस युवक की बेतहाशा पिटाई मयूर बंडोपंत उमर करने की, जिसके चलते अरविंद बंसोड़ की मृत्यु हुई, जिससे गांव में काफी तनाव है। आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। आरोपी मिथिलेश उर्फ मयूर उमर कर गृह मंत्री अनिल देशमुख का कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है। इस घटना की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी रवि शेंडे ने नागपुर जिला ग्रामीण के एसपी को ज्ञापन दिया है। नरखेड़ तहसील के तहत पिंपलधरा ग्राम में अंबेडकर आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता अरविंद बंसोड़ को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी और साथियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। इस मांग को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला प्रवक्ता सुमेत गुंडाने ने काटोल के उप विभागीय अधिकारी श्रीकांत उम्बरकर के कार्यालय में नायब तहसीलदार नीलेश कदम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ये कहा गया है कि अंबेडकरी आंदोलन से जुड़े अरविंद बंसोड़ की मौत के जिम्मेदारों पर एट्रोसिटी के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। साथ ही घटना की जाँच में आनाकानी करने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित किया जाए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर आगामी वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा आंदोलन किया जाएगा, यह चेतावनी वंचित बहुजन आघाड़ी के नागपुर के पदाधिकारी रवि शेंडे इन्होंने दी है। हाल ही में रवि शेंडे और उनके कार्यकर्ता द्वारा नागपुर ग्रामीण के एसपी को इस घटना को लेकर एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कई मांगों का उल्लेख है। इस ज्ञापन में ये कहा गया है कि आरोपी मिथिलेश उर्फ मयूर बंडोपंत उमरकर जो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने 306 ये कलम गलत लगाया है, उसकी जगह 302 कलम लगाया जाए, क्योंकि हत्या को उकसाने और हत्या करने के लिए मजबूर करने का काम आरोपी पंचायत समिति सदस्य मयूर उम्बरकर इसने किया है, ऐसा आरोप रवि शेंडे इन्होंने लगाया है। इस बारे में रवि शेंडे इन्होंने इनविजन समक्ष जानकारी दी। नागपुर एसपी ग्रामीण के कार्यालय में इस समय में इनविजन की टीम है, और हम आपको बता दें कि यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता रवि शेंडे जी है। रवि शेंडे जी किसी बात को लेकर आज एक ज्ञापन देने यहाँ पे आए हैं, आइए उनसे जानना चाहेंगे। शेंडे साहब, ये बताए कि क्या घटना हुई थी, जिस प्रकार से आपने जो ज्ञापन एसपी ओझा को ओला को दिया है, क्या कहना चाहोगे? आज 6 दिन हो चुके हैं जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो पिंपड़ गांव है वहां पर एक सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद बंसोड़ इसकी निगरिन हत्या की गई। वो उच्च शिक्षित था और सभी समाज के लोगों का काम किया करता था। उसकी हत्या मयूर उमरकर नाम का जो पंचायत समिति सदस्य है, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के तरफ से बिलोंग करता है, और वो अनिल देशमुख गृह मंत्री साहब इनका नज़दीक का कार्यकर्ता है, उसने बहुत ही निगरूनतापूर्वक उसकी उमरकर की हत्या की है। और हमें शंका है कि वो राष्ट्रवादी का पदाधिकारी और एक पंचायत समिति सदस्य होने के कारण इस अरविंद बंसोड़ को न्याय मिलना कठिन है, कि इसमें सारे लोग इन्वॉल्व है, उसके बहुत सारे लोग साथी, और सरकार इसको बचाने का प्रयत्न कर रही है। हम चाहते हैं कि इस घटना की चौकसी सीबीआई के मार्फत होना चाहिए, और उस पर जो 306 का गुना दाखिल किया वो 302 में तब्दील करके एट्रोसिटी एक्ट के साथ उसके सारे साथियों को एंटासिटी बेल, उनकी एंटीसेप्ट्री बोल कैंसिल करके उनको सीबीआई में चौकसी लेकर ताबे में लेकर उनकी चौकसी करना चाहिए, ऐसी वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से हमारी डिमांड है। इस समय में इनविजन की टीम कार्यालय पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नागपुर में खड़ी है। हम आपको बता दें कि अनिल देशमुख जो राज्य के गृह मंत्री है, उन्हीं के पार्टी के ये वो कार्यकर्ता था जिसके अगेंस्ट 306 का मामला दर्ज किया गया है, लेकिन लोगों ने ये बताया है कि वो 306 का मामला न होते हुए 302 का है, क्योंकि उसने अरविंद बंसोड़ नाम के लड़की की हत्या की है, जिसका ज्ञापन आज यहाँ के एसपी को दिया गया है। अब देखना ये होगा कि इस घटना में किस प्रकार का मोड़ आता है, क्योंकि एक तरफ राज्य के गृह
गृह मंत्री अनिल देशमुख जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के गृह मंत्री भी है, तो वही जो आरोपी है वो भी राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। इसके ऊपर में वंचित बहुजन आघाड़ी के रवि शेंडे इन्होंने संदेह जताते हुए पार्टी इस ओर पूरा काम नहीं करेंगे, इसलिए ये जो केस है सीबीआई को देने की मांग उन्होंने की है। नागपुर के एसपी कार्यालय से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीर, एनबीसीएन न्यूज नागपुर।